तो हम बात कर रहे हैं नेस्टेड इफ के बारे में, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास जब मोर देन वन कंडीशन होता है, मतलब मल्टीपल कंडीशन होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस में हम एंड और इफ लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ग्रेटर देन 50, 50 to 80, 50 to 80 के बीच में जो वैल्यू है उस पर 800 देना है, तो कंडीशन क्या लगेगा, ग्रेटर देन 50 और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और लेस देन इक्वल टू 80, डबल कंडीशन हुआ। देखिए रिजल्ट हमारे पास एक ही है, 800, तो यहां पे हम एंड का फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, सॉरी 50 है, और यहां सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 80 और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, और इफ फॉर्मूला लगा लेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन बदल जाए कि अगर लेस देन 50 हुआ तो मुझे 100 देना है, ग्रेटर देन 80 हुआ तो 500 देना है, कंडीशन वही है बट रिजल्ट हमारा बदल गया, समझे। मल्टीपल कंडीशंस तो मल्टीपल रिजल्ट्स, तो यहां पे हम एंड यूज नहीं कर सकते क्योंकि एंड होता है कि मल्टीपल कंडीशन बट सिंगल रिजल्ट। ठीक है, इसमें हम ये दे सकते हैं कि भाई ग्रेटर देन 50 to 80 के बीच की वैल्यू हो तो क्या हो और ना हो तो क्या हो, ये दे सकते हैं। इसमें सिग्निफाई नहीं हो सकता है कि लेस देन 50 पे और ग्रेटर देन 80 पे क्या होना चाहिए, तो उस केस में हम लगाते हैं नेस्टेड इफ, क्योंकि एक इफ एक कंडीशन लेता है। तो अब एक इफ लगाया और बोला कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम बोले कि दूसरी एक बार और इफ लगाओ कि क्या ये लेस देन इक्वल टू 80 है, ऐसा हुआ तो यहां पे 800 शो करो, अदरवाइज मतलब कि दूसरा इफ कब चलेगा, पहला इफ ट्रू होगा मतलब कि 50 से ज्यादा होगा, और दूसरा इफ कब फॉल्स करेगा, जब 80 से ज्यादा होगा, 80 से कम ना होगा, तो यहां पे 500 हमने दे दिया और फिर यहां पे कॉमा 100। अब चीज को समझिए एक बार, तो कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, समझिए कि पहले ए इफ चलेगा, अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो ये दूसरे वाले इफ को फॉरवर्ड करेगा भाई तू चल, हाँ अदरवाइज क्या करेगा ये 100 को शो कर देगा। ये 500 क्या, फिर दूसरा इफ क्या करेगा, बोलेगा चलो दूसरा इफ चेक करेगा, अगर दूसरा इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो 800 को शो कर देगा, अदरवाइज 500 शो कर देगा। तो दूसरा इफ कब चलेगा, जब पहला इफ ट्रू होगा, पहला इफ फॉल्स होगा तो पहले इफ। तो एक इफ, जब भी हम एक इफ लगाते हैं तो एक इफ का दो पार्ट होता है ना, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये जो पहला इफ है इसका ट्रू पार्ट हो गया ए, ठीक है, और फॉल्स पार्ट हो गया 100, यस और दूसरे इफ का एक कंडीशन हो गई, ए ट्रू पार्ट हो गया, ये हमारा फॉल्स हंड्रेड पार्ट हो हाँ गया, समझे। यस इस तरह से इसका यूज हम करते हैं, क्लियर है। उसी तरह से मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे डेट डाला हुआ है, सैटरडे संडे मंडे डाला हुआ है, सैटरडे संडे मंडे डाला हुआ है। अब मुझे सैटरडे आए तो हाफ डे शो करना है, ठीक है, हाँ संडे आए तो ऑफ, और मंडे टू फ्राइडे हो तो क्या करना है, ओके ओपन, ओके या और से तो नहीं होगा ना, और सैटरडे संडे में ऑन ऑफ करना था कर सकते, लेकिन यहाँ पे सैटरडे को एसडी शो करना है, कंडीशन बढ़ गया कंडीशन तो इफ लगेगा। तो पहला इफ लगेगा कि क्या है इक्वल टू सैटरडे है, सैटरडे हुआ तो आगे कुछ नहीं चेक करना है, यहीं पे एच डी को शो करना, ठीक है। अगर सैटरडे नहीं है तो अगेन भरना है और इसको चेक करना है क्या ये संडे है, अगर संडे हुआ तो यहां पे ऑफ शो कर देगा,
अदरवाइज ओपन शो करेगा। ठीक है, दो इफ इसमें भी लगाया, एक काम कैसे कर रहा है देख लो। पहले एक कंडीशन चलेगा, अगर ट्रू हुआ तो एच डी शो कर देगा और इसको स्किप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ए दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में, तो ए इसमें क्या था, पहला इफ, दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में था कि पहला इफ चलेगा तो दूसरा इफ चलेगा। इसमें क्या होगा, पहला इफ चला तो दूसरा तीसरा इफ नहीं चलेगा। रिजल्ट देखिए, यही पे बाकी को स्किप कर देगा। सेम अगर ये संडे हुआ तो ऑफ देगा, अदरवाइज ओपन। समझ में आ रहा है आपको शिवम जी? जी सर। जैसे कि इसमें पहला चला तो सैटरडे आ गया तो एच डी शो करेगा, नहीं आया फॉल्स आया तो सेकंड चलेगा एच टू, संडे ढूंढेगा, संडे आया तो ऑफ, नहीं आया तो ओपन, यही। अभी आपने दो इफ को देखा ना, अब हम दो नहीं चार इफ को देखें। जैसे मैं नेम लिखता और यहां पे सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट की पेपर हुई है और रिजल्ट देना है पास और फेल। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि जिसका रिजल्ट हर सब्जेक्ट में 30 से ज्यादा है वो पास है। जैसे ये फेल है, ये पास है, ये फेल है, ये पास है, ये फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि इसमें 22 पहले सब्जेक्ट में फेल हो गया हुआ है। इसमें देखिए किसमें क्रॉस नहीं है, सब 30 से ऊपर है। इसमें देखिए 25 17 दो सब्जेक्ट में क्रॉस है। इसमें देखिए 33 42 सब में पास है। इसमें 67 में देखिए एक सब्जेक्ट 4 में क्रॉस लगा हुआ है। तो अगर आपको जस्ट पास और फेल लिखना है तो आप एंड का फॉर्मा लगा लेंगे यहाँ पे कि एंड अगर ए इक्वल टू इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 33 हुआ फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हुआ फिर हम एस 3 को सेलेक्ट करेंगे, क्या इक्वल टू 33 है। फिर यहाँ सब्जेक्ट 4 को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड रिप्लेस कर देंगे। रिजल्ट फॉल्स आया, ट्रू आया, जो होगा ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब ट्रू फॉल्स को पास और फेल तो कर सकते हैं ना हम, क्या सर? इफ लगा के, इफ लगा के। मैं सर इधर। अब लेकिन मुझे इसमें भी दिखाना है कि भाई पहला सब्जेक्ट किसमें फेल हुआ। हर सब्जेक्ट सर सब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा बट पहला सब्जेक्ट किसमें फेल हुआ है उसमें देखना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, माफ कीजिएगा मैं फोन में लग गया था। इसमें मैं यहां पे करूंगा कि यहां लिखेंगे फॉर्मूला इफ अगर पहले सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, देन अगेन इफ इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, देन इफ तीसरा बार सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33 if इसको सिलेक्ट किया कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 33।
अगर ऐसा हुआ तो पास, क्योंकि यहाँ पे पास करने के चांसेस एक बार, अदरवाइज फेल। लेकिन यहाँ पे फेल कितना बार करेगा, चार बार करेगा ना, तो यहाँ पे फेल कॉमा फेल कॉमा फेल, ठीक है सर जी सर। अब इसमें इसको समझिए कैसे है, ये हमारा कंडीशन है, अगर पहला सब्जेक्ट पास हुआ तो दूसरा सब्जेक्ट को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे अपना फॉल्स को शो कर देगा। दूसरा सब्जेक्ट अगर ट्रू हुआ तो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज जो दूसरा का करेगा बाहर निकल जाएगा। फिर तीसरा सब्जेक्ट अगर पास हुआ, तीन है ना, चौथा इसमें एक गया इसको फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो इसके अपने रिजल्ट को देगा। तो चौथा सब्जेक्ट देखेगा, अगर है तो पास करेगा, अदरवाइज फेल करेगा। समझे, एक इफ के अंदर दूसरा इफ यहां पे हम डालते हैं। समझ में सर? जी सर। डाउट इसमें? नो सर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे दो दो एग्जांपल्स बना के दीजिए, ठीक है? सर एग्जांपल किस तरीके से? मैंने बताया आपको इसी तरह की एग्जांपल। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है सर, समझ में नहीं आया होगा आपको, आला किसी से बोल रहा हूँ।